अलैक कैसे आप सब लोग ये देखें जी आज मौसम और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी वेदर और यूके के हालात देखें ज़रा यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है ठंड है और आज तो यहाँ से जो है ना स्नो हो रही है और ये एज़ यूज हमारे जो नेबर्स वाले आज इन्होंने काम बंद किया हुआ है क्योंकि स्नो है तो शुक्र है कोई शोर शराबा नहीं है इस वजह से मैं आराम से ना वीडियो के साथ ही ना अपनी वॉइस भी आप लोगों को सुना सकती हूँ वॉइस ओवर नहीं किया तो मैं इतना इन्जॉय कर रही हूँ ओ सो ब्यूटिफुल इतने अच्छे मौसम के अंदर ना मेरा दिल कर गया कि मैं ना एक ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनाऊं साथ में चाय बनाऊं और सालन पड़ा हुआ था रात का आलू गोश्त का तो मैंने सोचा कि आज डाइटिंग को मारते हैं गोली और ना आज अपने लिए जीते तो समटाइम्स ना कभी कभी ऐसा करना चाहिए कि आप जो है ना वो डाइटिंग को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को जियो इंजॉय करो तो मैंने भी आज सेम वही वाला काम किया और मैंने ना अच्छे तरीके से जितना मक्खन शक्न था वो लगा लगू के तो पेड़ा बना के तो उसको वेल वूल के अच्छे तरीके से तो मैंने ना अपने लिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा बनाया तो जी आज का व्लॉग आपने फ्री वॉच करना है क्योंकि इसमें जो मेरी बाकी की प्रप्रेशन थी ना रमज़ान की वो है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और साथ में बेल का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके ठीक है थैंक यू वेरी मच अच्छा मेरी ना सास बनाया करती थी बड़े मज़े के पराठे ना पता नहीं वो कैसे बनाती थी तो क्योंकि अब तो मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ तो लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना नई नहीं तो वो हमें जब सुबह वह नाश्ता बना के दिया करती थी तो बड़े वो अच्छे दिन होते थे तो वो ना अच्छा पता नहीं वो अंदर ही लगाती थी सिर्फ ना पराठे के अंदर सिर्फ घी लगाती थी बाहर नहीं लगाती थी लेकिन उनका इतने वो मज़े के पराठे होते थे और इतने बड़े बड़े साइज के होते थे ना हमारे जितना नहीं छोटे छोटे साइज़ के उनके फुल बड़े साइज़ के उनकी रोटी होती थी और जब उसको तोड़ना तो अंदर तह होती थी और वो बाहर नहीं लगाती थी इतनी बाहर नहीं मैं नहीं घी लगाना क्योंकि दुआ बहुत बन जाता है चोटे -चोटे तो वो सिर्फ अंदर ही लगाया मेरा तो यमी यमी सा पराठा रेडी हो गया है और इसके साथ मैं रखूँगी सालन और साथ ही मैंने चाय बनाई है वो और अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी इसके बाद जो है वो काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जी मैं ओपनिंग करने लगी हूँ आपके साथ मोलिनक्स रोबोट की जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था किचन के लिए स्पेशली रमज़ान शिफ़ जैसे कि आ रहा था और डेली जो है मिल्क शेक बन रहा होता है कभी कोई चीज़ ग्राइंड करनी होती है कभी कुछ करना होता है कभी कुछ करना होता है तो इसकी जो एक्सेसरीज है मैं आपको फटाफट दिखा रही हूँ साथ साथ में क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ जो है ना वो प्रॉपर प्रॉपर बताने लगी दिखाने लग गई तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आपको अंदाज़ा होगा कम अज़ कम कि इसमें क्या क्या कुछ है और काफ़ी मैंने इसको यूज़ भी करके देखा है ज़बरदस्त है माशा बहुत ही नाइस है पहले तो मैं इसकी जो चीज़ें हैं वो देख के ही डर गई थी कि इतना कुछ है इसको मैं कैसे करूँगी और बड़ा इसमें जो टेंशन हो गई थी लेकिन इसके साथ ना ये बुक थी इसके अंदर हर चीज़ इन्होंने डिटेल से बताई भी है हर जबान में है हर लैंग्वेज के अंदर है इसको आप खोलो इसको पढ़ो और देखो कि आपने किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है ढेर सारे इसमें ब्लेड्स थे और एक्सेसरीज थी तो इजी था यूज़ करना थोड़ा सा बस शुरू में मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ना इस तरह की जो है ना वो रोबोट नहीं ही यूज़ किया है तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मुझे तो बड़ा आसान लगा और ब्लेड्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा थे और जिसके साथ आप ना सैलड बना सकते हैं आसानी के साथ ना तो सैलड जो हम लोग हाथ के साथ घंटा घंटा काटते रहते हैं उसकी जो है ना वो झंझट ख़त्म और ये जो है ना ये बनाने के लिए था मिल्क शेक बनाने के लिए था स्मूथिस बनाने के लिए था जो इससे पहले दिखाया था वो चॉपर था उसके अंदर जो है ना आप जैसे शामी कबाब बनाते हो शामी टिक्कियाँ बनाते हैं आप लोग कुछ पीस किस्म की कुछ चीज़ बनानी है इसमें अगर आपने प्याज वाला ग्राइंड करना है तो वो आप उसमें कर सकते हो ठीक है और ये जो है ना हाँ ये वाला ठीक है इसके अंदर इसके अंदर जो है ना इसको ऐसे लगाना है आप लोगों को ये मैंने पहले घंटा सोचा था कि इसको करना कैसे है इतनी पागल ना मुझे तो करने नहीं आती इसी चीज़ें चूज़ करना सीरियसली उफ़ और यहाँ पे मैं ब्लेड को कभी पुठा और कभी सीधा डाली जा रही थी समझ नहीं आ रहा था फिर पता चला कि बस इसने यहीं पर ही एडजस्ट होना है ऊपर ही ना तो अच्छा जी ये हो गया और ये भी कुछ चीज़ थी आई थिंक जस्ट लाइक जो स्पाइस होते हैं ना अगर आपने इसमें ग्राइंड करना हो गर्म मसाला घर में बनाना हो तो वो उसमें था तो ये जी मैं बनाऊँगी अब आपके सामने इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट जो कि मैं बनाकर फ्रीज़ करूँगी तो लहसन जो है वो मैं पहले से ही छिला छिला लेके आ गई थी क्योंकि घर में तो बहुत टाइम लग जाना था इसको और आज वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई थी आज लास्ट डे था इन कल जो है वो फर्स्ट रोजा होना है यहाँ पर तो अच्छा जी ये देखें ज़रा मैंने इसके ज़रा पानी डाला है ठीक है पानी इसलिए डाला ताकि इसका एक अच्छी सी ना एक पेस्ट सी बन जाए और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला ना ही नमक डाला है ना इसमें मैंने सिरका डाला है नथिंग कुछ भी नहीं क्योंकि मैंने इसको करना है फ्रीज मैंने इसको फ्रिज में तो रखना नहीं है अपने पास क्योंकि अगर आपने फ्रिज में रखना हो ना तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा सिरका डालना पड़ता है ताकि खराब ना हो जाए इसका कलर चेंज ना हो जाए तो इस तरह से मैंने सारा जो है ना ग्राइंड करके इसको एक ट्रे में अच्छे तरीके से ना फैला लूँगी और ताकि ना इसको जो कटिंग है ना वो इजीली हो जाए तो उसको फैला के इक्वल कर लूँगी बिल्कुल ये देखिए चम्मच के साथ कर लें या अगर आपके पास कोई और चीज़ है जिसको जिससे आपको ज़्यादा इजी लगे यू you नो know? तो वो उसके साथ जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से ना आपने फैला लेना ये देखिए इस तरीके से ठीक है और ये बड़ा इसका फ़ायदा हो जाता है क्योंकि अदरक लहसन जो है ना वो डेली यूज़ करना होता है और हर रोज़ जो है ना वो आप नहीं इसको बार बार पीसोगे तो टाइम की जो बचत तो हो जाती है चलो कम अज़ कम आपने घर में इसको रेडी किया हुआ है ना पहले मैं तो बा, बाय किया करती थी ना शॉप से ले लिया करती थी लेकिन जब से ना मुझे ये वाला तरीका मुझे पता चला ना ये इतना आसान है और इतनी मेरी लाइफ ईजी हो गई ना इसके साथ और घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं ये देखिए मैंने इसको ना फ्रीज़ कर दिया था तो पूरी रात ये फ्रीज़र में फ्रीज़ हुआ उसके बाद ना ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया कट करने के बाद ये इस तरह से मैंने ग्लव्स पहन लिए ग्लव्स पहनने का मकसद ये था कि इसकी जो स्मेल है ना वो मेरे हाथों में या नाखनों में ना चली जाए क्योंकि बड़ी स्मेल होती है बड़ी फास्ट तेज किस्म की स्मेल होती है भाई इसकी और जो कि जाती नहीं है पूरे दो दो तीन तीन दिन तक ना तो बस इसी तरीके से ना सारे पैकेट बना लिए थे मैंने तीन पैकेट बने थे इसके और उनको मैंने फ्रीज कर दिया था वापस और यह देखें इनको मैंने फ्रीजर में डाल दिया अब यहाँ पे हम बनाने लेंगे हैं कबाब तो इसमें मैंने डाल दिया है जी रेड चिली ग्रीन चिली अदरक लहसुन प्याज और इसके बाद मसाले में है नमक हल्दी और कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला और रेड चिली और अब इसके अंदर मैं डालूंगी चने की दाल चने की दाल ना मैंने पहले से भिगो कर रख दी थी तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी तो वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया तो कुकर में मैं नहीं बना रही हूँ उसको मैं देश के अंदर ही बना रही हूँ तो उसमें मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया है अंदाजे के तौर पर ही तकरीबन मैंने दो बाउल जिसके अंदर चने की दाल भी कोई भी थी वो डाल दिए थे इसके अंदर भर के पानी के और उसको मैंने अब ढक के ना मीडियम आंच पर रख दिया था ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से हर चीज़ गल जाए इसमें चने की दाल भी और जो चिकन डाला था वो भी ना तो तकरीबन थर्टी फोटी फाइव मिनट्स लगे थे आई थिंक मैक्सिमम तो ये सब कुछ, सब कुछ जो था ना वो गल गया था फिर मैंने इसको चॉपर में डाला अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो उसको हैंड ब्लेंडर के साथ आप लोग हैंड जो चॉपर होता है उसके साथ आप चॉप कर लें तो ये देखें कितना सॉफ्ट और हर चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है अब इसकी जो बनाई है मैंने टिकियाँ और टिक्कियाँ जोन सी है ना बड़ी ज़बरदस्त बनी थी सीरियसली बड़ी मजे की बनी थी और हर चीज़ परफेक्ट थी स्पाइसीज इसके अंदर एकूरेट थे ना मतलब कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई नहीं माशाल्लाह तो बस मैंने बना के ना तो फिर एक जो है ना वो टेस्ट करने के लिए भी निकाल दी थी ताकि मैं चेक कर लूँ तो वो टेस्ट की थी तभी आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट थी तो ये देखें इस तरीके से मैंने एक बॉक्स लिया था प्लास्टिक का जो कि ना फ्रीज़र स्टोरेज के लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि बिल्कुल क्रैक नहीं होता और इसके अंदर जो है ना मैंने एलुमिनियम शीट लगा के तो उसके ऊपर जो टिकियाँ रखी थी ताकि आपस में जो है ना वो स्टिक ना हो फिर इसके ऊपर एक और शीट रखी और उसके ऊपर बाकी की जो टिक्कियाँ थी वो रखती थी तो इसी तरीके से लेयर्स बना दी थी मैंने लेयर्स बना के तो फिर इनको मैंने कर दिया था स्टोर और एक जो टिक्की मैंने बनाई थी आपके सामने दिखा रही हूँ कि इसको मैंने अंडे में डिप करके ना तो फिर इसको मैंने फ्राई किया था और देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी है और बड़ी मज़े की थी इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको तो ये देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त बनी है और अब जो है ना वो चनों की बारी आ गई चने जो है वो मैंने रात को भिगो दिए थे और इसके बाद मैंने इनको ना उबाल लिया था दोनों को काले चनों को भी और वाइट चनों को भी तो उबालने के बाद मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था इनको और इसको ड्रेन कर दिया सारा पानी और इनको बिना मैंने जो है वो जिप लॉक पैक के अंदर पैकेज बना के रख दिए थे क्योंकि चने जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रमज़ान शरीफ में ना कभी आपने चना चाट बनानी होती है कभी आप चावलों में जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो अगर ये पहले से फ्रीज़ हुए हो ना तो कितनी टाइम की बचत हो जाती है तो ये देखिए मैंने ना दोनों तरह के जो चने उनके थ्री थ्री पैकेट्स बना लिए और इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी तो जी अब इसके बाद है जी समोसो की रेसिपी हाजिर हमने यहाँ पे प्याज लिए हैं तीन और उसके बाद दो मैंने तीन आई थिंक मिर्चें ली थी ग्रीन चिलीज़ और इनको मैंने डाला चॉपर के अंदर और इन सब को मैंने चॉप कर लिया चॉपर आ गया मेरी तो लाइफ ईजी हो गई वरना हाथ के साथ काट काट के ना थक गई थी तो के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था इसके अंदर मैंने दो जो है ना वो चम्मच भर के डाल दिए थे अदरक लहसन की पेस्ट क्योंकि जो उसकी कीमे की स्मेल होती है ना वो बड़ी गंदी होती है अगर आप इसमें अदरक लहसन की पेस्ट डाल दो ना तो फिर बड़ा अच्छा सा ना यहाँ पे सी खुशबू आती है क्योंकि जो यहाँ पर कीमा मिलता है ना यूके में आई थिंक उसमें एक स्मेल सी होती है पता नहीं मुझे लगता है तो आलू जो है वो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे और चने जो हैं वो भी बॉईल थे इसके अलावा मटर मैंने बॉईल करके रख लिए थे और प्याज और हरी मिर्चों की जो है वो पेस्ट आपके सामने ही बनाई है अभी और ये जो है इसके मसाला जात हैं तो मसाला जात में मैंने डाला है नमक मेथी हल्दी रेड चिली रेड चिली फ्लेक्स और कॉलिंडर पाउडर तो ये देखें जी अच्छे तरीके से हर चीज़ मिक्स हो गई है इसके अंदर जो मैंने डाला था अदरक और लहसुन की जो पेस्ट डाली थी वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गया इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो हमने बनाया था प्याज और ग्रीन चिलीज़ का मिक्सचर तो इसको इसमें ऐड कर दिया ताकि जो प्याज का जितना भी पानी होता है ना वो उसमें ड्राई हो जाए ठीक है तो कुछ देर इसको हिलाने के बाद फिर इसके अंदर हम लोग डाल देंगे बाकी के मसाला जात तो मसाला डालने के बाद ना आपने इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है कि हर चीज़ जो है ना वो जकजान हो जाए सारे मसाले जो है ना वो कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए अच्छा मैं ना यहाँ पे आपको देश की दिखा रही थी दिखानी थी अपनी भूल गई मैं इस तरह की देश के यहाँ लेकर आई हूँ दो ना और और चम्मच जो उनसे ना इसके अंदर आराम से घूम फिर जाते हैं और जैसे हम लोगों के खाने होते हैं हम लोग बनाते हैं पता है भारी भारी खाने होते हैं उनके लिए चम्मच भी हमें जो है ना वो इस किस्म के स्टील के ही चाहिए होते हैं जो नॉन बर्तन होते हैं ना उनके अंदर तो ना नॉन चम्मच यूज़ करने पड़ते हैं वो इतने नाजुक नाजुक तरीकों से हम लोगों को हाथ ही लाना पड़ता है ना अंदर तो एशियन फूड के लिए ना ये वाले बर्तन जो है ना बेस्ट हैं बजाय इसके कि जो हम लोग नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ टाइम के बाद ना वो ख़राब हो जाते हैं तो पोटेटस जो है वो मैंने देखे यहाँ पर मैश करने लगी थी बर्तन बहुत ही छोटा सा बेचारा फिर मैंने ना इसको आराम से बैठ के मैश किया स्लोली स्लोली और ये देखिए इस तरीके से ये मैच हो गया था और अब इसको और बाकी के जो हमारे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी वो कीमे के अंदर ऐड कर देंगे वन बाय वन अब इसके अंदर जो है वो मटर ऐड कर दिए हैं मैंने और चने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर और जो पटेटोज़ थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं इसके अलावा और मैंने इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डाली आपकी मर्जी अगर आप कोई और वेजिटेबल भी ऐड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हर इंसान का जो है ना वो अपना एक टेस्ट होता है तो मेरे घर में जो बच्चे हैं वो ये वाले वेजिटेबल शौक से खाते हैं और मैं जो है वही वाले वेजिटेबल्स ही डालें तो अगर आप और कोई वेजिटेबल्स डालना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि माई किचन है माई रूल्स हैं अगर आपका किचन है तो भाई आपके रूल्स हैं तो बस अपना एक आइडिया देना था कि मैं जो है वो कैसी प्रिपरेशन की है अपने रमज़ान शरीफ के लिए तो मैं तो कोई स्पेशल किस्म की वो शेफ़ तो हो नहीं हूँ तो एक हाउस वाइफ ही हूँ आप लोगों की तरह तो जो भी मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ तो इसमें कोई नुक्स निकालने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन आप लोग मुझे टिप्स ज़रूर दे सकते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ और मज़ीद क्या अच्छा बना सकती हूँ तो जी ये देखें रेडी हो गया और अब हम लोग बनाएंगे समोसों को ठीक है तो समोसा बनाने के लिए ना मैंने लिए है यहाँ पर इस दफ़ा शीट ठीक है और क्योंकि तो पहले मैं हमेशा जो है ना घर में डो बनाया करती थी लेकिन इस तरफ मैंने सोचा कि मैं ना शीट्स ले आती हूँ और इसके साथ ही समोसे बनाती हूँ ये इतने मज़े के ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल के समोसे बनते हैं तो इसका जो तरीका है वो बहुत ही आसान है सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है जब आप चार पाँच बना लेंगे ना समोसे शीट के साथ तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फट आप फटाफट जो है ना समोसे बना के फारक हो जाएंगे तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपने इसको कॉर्नर जो है ना वो आपस में इस तरीके इस तरीके से ना मिला लेने हैं उसके बाद जो निचला हिस्सा है यहाँ पर आपने ये जो मैंने बनाया हुआ ना मैदा है जो है इसको मैंने पानी में घोल के रखा हुआ था तो इसको आपने लगा लेना है फिर इसके बाद ना आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ना ये अच्छे तरीके से ना यहाँ से प्रेस हो जाए और इसके बाद आपने इस तरीके से ना एक कौन सी बना लेनी है जैसे हम लोग छोटे हो तो बनाया करते थे ना वो जहाज़ बनाते थे वो जहाज़ वाले बस याद करने के कैसे बनाते थे अच्छा इस तरह करने के बाद यहाँ पर आपने मैदा दोबारा लगाना है गोला हुआ और उसके बाद इसको यहाँ से बंद कर देना है ठीक है अब ये देखें इसके अंदर यहाँ पे फिलिंग के लिए जगह बन गई है कितनी ज़बरदस्त अब इसके अंदर आप फिलिंग करें जितनी आपने करनी है मैं जो है ना बस दो चम्मच डालती हूँ इसके अंदर छोटे वाले ताकि जो है ना इसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भर भी ना जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर भर जाए ना तो फिर फटने का भी खतरा होता है तो ये देखिए बस दो चम्मच इसके अंदर मैंने डाले उसके बाद आपने ये जो उसकी कान से निकले हुए ना साइडों से इन कानों को आपने नीचे की तरफ बंद कर देना अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें इस तरीके से और फिर इसके बाद आपने इसके जो ऊपर वाला हिस्सा था ना यहाँ पर अच्छे तरीके से ना आपने मैदा लगा देना है जो पानी में घोला हुआ था और उसको ज़ोर से पकड़ के इस तरीके से बंद कर देना है और ये देखें कितना ज़बरदस्त समोसा मिनटों में तैयार और इसी तरीके से मैंने सारे समोसे बना लिए थे अब इनको मैं वापस जो है ना फ्रीज़ करूँगी फ्रीज़ करने के बाद इनको मैं क्या करूँगी कि इनको जिप लॉक में बंद करके रख दूँगी अगर आपने डायरेक्ट ही इसको जिप लॉक में बंद करना है तो फिर आपने इसको खुला खुला करके रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं ठीक है उसके बाद आप इसको आराम से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो व्लॉग है पसंद आया होगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू टॉपिक के साथ तो उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़